40 वाले में शाली को फ्रॉम हियर, मदर नेचर को बहुत बड़ा प्रणाम है। और अभी हम लोग का पूरा लाइफ एंड एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें, लिटरली लाइफ भी मदर नेचर के इसमें है। हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एक ब्लॉग अभी जस्ट अपलोड किया है, अभी वापस से निकल के दूसरे ब्लॉग की तैयारी हो रही है, तो आगे अरबाज कंटिन्यू कर रहे हैं। बोल, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। सो बेसिकली अभी रात के कितने बज रहे हैं, नियरली अराउंड 10:30 समथिंग, और मैं और अरबाज यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गोरखगढ़ फोर्ट। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गोरखगढ़ फोर्ट टू डू अ स्मॉल हाइक, एंड कुछ नहीं, ऐसी अनप्लान ऐसी निकल रहे हैं। ये डे टू है, मतलब डे वन ही कंटिन्यू हो रहा है, बट ये ब्लॉग नंबर 2 out of 30। यहाँ से निकलते हैं पवे से, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें पहुँच करके आप लोगों को बता दें। फिलहाल मैं हम लोग यहाँ से, ये बाइक एवेंचर है, इसको फुल कर रहे हैं 40 liters 1500 फुल करते हैं। अभी देखते हैं कितने काफ़ी आधे में कितना होता है। ब्रेक नंबर 1। तो अभी हम लोग रुके एक चाय ब्रेक के लिए, चाय पानी थोड़ा लेते हैं, कुछ करते हैं। ये फर्स्ट ब्रेक है, एंड देन यहाँ से डायरेक्ट पहुँचेंगे वहाँ पे। अभी क्या, हम लोग क्या गरीब मोटो ब्लॉगर लोग हैं, तो हम लोग के पास ऐसा कुछ सेटअप नहीं, गोप्रो वगैरह का। एग्जैक्टली, तो हमारा प्लान भी काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू था, कुछ ऐसा इनडिसाइसिव था। वी लिटरली डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, बस हमें पता है कि एक जगह है गोरखगढ़ फोर्ट करके। सो या वी विल फिगर आउट, एंड आई एम ग्लैड, वी आर ग्लैड दैट यू गाइस आर आल्सो विद अस। यस, लेट्स सी। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक मैं और हैप्पी एज अ फर्स्ट टाइम नाइट राइड करेंगे। यस, हमने 2 साल में बहुत बार प्लान किया, फाइनली निकल गए हम, और अभी ऐसा फुल पंगे में। लेकिन चलो निकलते हैं यहाँ से, चाय पानी पी के, एंड पहुँचते हैं अभी आगे। ब्रेक हम लोगों ने लिया है, राइट नाउ इट इज 1:47, एंड ये सेकेंड ब्रेक हम लोगों ने लिया है, चाय पिया हम लोग, यहाँ से निकल रहे हैं आगे, एंड अब आगे पहुँचते हैं। मैं चल के जा रहा हूँ, हर बस गाड़ी जा रहा हूँ। तो रोहन, आपका एक्सपीरियंस कैसा था बाइक चलाते हुए? मज़ा आ गया, काफ़ी मज़ा आ गया, क्योंकि सी ऑल दीज थिंग्स वेर देयर इन माई हेड सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये करना है, मैं और अरबाज बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे हम लोग जाएंगे कहीं। अरबाज, हम लोगों ने एक चीज़ गलत किया, इकरा को लेकर ना सीधा साथ में, टाइम पास हो जाता है आपका हेडलाइट पे बिठा के। इतने में तो फिट भी हो जाती है वो, पर ठीक है, थैंक यू इसके लिए। आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग तेरी याद में। मैं इधर से क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा टोटल अपने को कितना टाइम लगा उधर से इधर आने के लिए? हार्डली 2 घंटा। हार्डली 2 घंटा ना? हाँ, बीच में हमने 20 मिनट्स का ब्रेक लिया, दो बार ब्रेक मिला के, सो 2 hours 30 minutes, बट कंफर्टेबल राइड था। राइट, इट वाज प्रीटी इजी। थोड़ा डिस्टेंस चलाया, थोड़ा मतलब ज़्यादा इसलिए चलाया, थोड़ा मैंने चलाया, एंड हम लोग यहाँ पे 2 hours में वी आर हियर। ये कौन सी जगह है? कुलदाम सोसाइटी एंट्रेंस, दिस इज गोरखगढ़ फोर्ट। मैं बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन ये है कहाँ पे एग्जैक्टली? ये ब्रो महाराष्ट्र में। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा हाइक, रात के ढाई बजे हम लोग अपना हाइक स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को मेंटली एंड फिजिकली। वी आर लिटरली एट द आश्रम, अभी कौन सा आश्रम है ये नहीं पता, ये सुबह ही पता चलेगा जब हम लोग आएंगे। अपना हेड टॉर्च लगा लिया है, अरबाज अपना प्रिपेयर कर रहा है, अब यहाँ से चढ़ना है। 33 सीट है उसका, कुछ आता पता नहीं यार। बस कितना सीढ़ी है इधर से? क्या बताया, थोड़े सीढ़ी है, कुछ 50 को दिख रहे, दिखने में 50 को दिख रहे गाड़ियों है अभी रात में। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले ऊपर चढ़ते हैं, इधर चढ़ते हैं तो ट्रेल्स तो दिख रहा है, जाता है ना राइट तक, और स्ट्रेट पाथ दिख रहा है ना। हाँ चलो, फॉलो द ट्रेल।
क्या पार्टी वाले में क्या मैं ऐसे कहना वो टॉर्च उधर दिखा मैं कौन टॉर्च मार रहा है अपने पर ये रास्ता फॉलो करके पहले ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि राइट में तो फोर्ट दिख रहा है अपने को। अभी बेस्ट पार्ट ये है गाइस कि मेरी फटती है अंधेरे से भूत से लिटरली है नहीं है वो पता नहीं एनर्जी से मैं बिलीव करता हूँ और मेरी फटती है और मैं लग गया नहीं एनर्जी अपनी दोस्ती है। जय हनुमान ज्ञान ऐसा फोन कर ले टोटली इनटू मदर नेचर एंड अभी ये कुछ ब्लॉग इसलिए नहीं जो भी है मैं एक चीज़ बोलूँगा मदर नेचर को बहुत बड़ा प्रणाम है क्योंकि बहुत कुछ नई चीज़ें देते हैं और अभी हम लोगों का पूरा लाइफ एंड एक्सपीरियंस सारी चीज़ें लिटरली लाइफ भी मदर नेचर के इसमें है कुछ भी हो सकता है एनर्जीज कुछ भी होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जिंग फ्रॉम हियर यहाँ से नहीं चली सीधा 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 हाँ रहा। छोटे वाले फोर्ट पे पहुँचते हैं एग्जैक्टली थैंक्स लेट्स गो। अभी ये क्या है गाइस मेरे को नहीं पता इधर दिस कुड बी एंट्स हाउस और स्नेक्स आई डोंट नो बट जो भी है बहुत ही डरावना है फटी पड़ी है। ओके अरबाज हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए संभाल नहीं रुक रुक धक्का मत दे इसने काटा है ऊपर देख मैं बड़े बड़े जा रहा है गाइड नहीं हूँ ये मैं इसे अपने पर्सनल फन के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग को किसी को भी आना रहेगा दिन में आना ज़्यादा धूप में नहीं तभी सही लगेगा क्योंकि रात में कुछ दिखता नहीं है अब घुटने जवाब दे रहे हैं तुझे एथलीट होके मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं राजा महाराजा लोग कैसे रहते होंगे उनके सैनिक कैसे ऊपर आते जाते होंगे और कैसे वो लोग उस टाइम पे ऐसे चीज़ें करते होंगे। अभी बज रहे सुबह के 5 एंड मैं और अरबाज ऊपर चढ़े जैसे आप लोगों ने देखा अभी तक में बहुत गलत चढ़ गए थे हम लोग लिटरली बहुत मतलब पूरा zigzag बहुत सारी डिफिकल्टीज जैसे तैसे करके ऊपर चढ़े थे और जैसे तैसे करके नीचे उतरे हैं लिटरली आई विल से लाइक इट डू द थिंग ऑन योर ओन रिस्क आई वोंट रिकमेंड डूइंग दिस थिंग टू एनीवन डू इट ऑन योर ओन रिस्क। अभी बिल्कुल जान नहीं है ना मेरे अंदर ना अरबाज के अंदर पूरे घुटने पूरे पैर जवाब दे रखे हैं बट अभी वही बात होती है कि जब हम पूरा कमिट करके आए हैं और आना है ऊपर जाना ही है तो अब जाना ही है। सो मैं और अरबाज निकले वहां से बाइक निकाले वहां से थोड़ा सा आगे आए तो हमें एक साइनबोर्ड दिखा जो कि बराबर गोरखगढ़ फोर्ट के लिए दिखाता है एंड वी आर एग्जैक्टली स्टैंडिंग राइट आउटसाइड ये यहाँ पे यही अगर हमने पहले देख लिया होता तो अब तक इतना ऊपर चढ़ के इतना सब कुछ करते नहीं बट यहाँ से कुछ स्टेयर्स हैं वो चढ़ना है बट यार डूड इट वाज टोटली रिस्की इट वाज वी वेयर इन टू द सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ। मस्त थक गया है अभी मैं और अभी दोनों थक गए हैं मेजरली पैर जो है वो जवाब दे दिए और हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब राइट वहाँ पे है अगर यहाँ से थोड़ा और हिम्मत करके चढ़ गए तो पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आने का पूरा जो है वो सुकून पूरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा सुकून हो जाएगा और यहाँ से मेरे को स्ट्रेट दिख रहा सामने नदी और बस इधर से मेरे को सीधा नदी दिख रहा है लेके मस्त सर दुख रहा लिटरली मेरा सीन क्या हो रहा है मालूम है लिटरली अभी पैर भी दुख रहा है और सर दुख रहा है मेरा बहुत ज़्यादा मगर ये कंप्लीट करके फट से नीचे जाएंगे कुछ खाएंगे एंड देन घर पे भागेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रात को सोए ही नहीं है और दिन में भी सोए नहीं है ना
जो सोए थे परसों सोए थे, और सुबह उठे, दिन भर बाहर घूमे, फिर रात में इंडिसाइसिबली प्लान बनाए और इधर आ गया, तो बॉडी को रेस्ट ही नहीं हुआ है। तो आप लोग ऐसे मत करना, बॉडी को रेस्ट दे करके दिन में अच्छे से सो करके फिर रात में, मैं सब सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप आ जाओ टू स्टार्ट बाय लाइक 4:30 एंड देन यू विल बी एबल टू मेक बाय लाइक 6 और समथिंग एंड देन आप पूरा सनराइज को एंजॉय कर सकते हो। ट्रेल तो बहुत इजी है, बट द केस लाइक करेक्ट ट्रेल पकड़ना, वो एंट्रेंस जो आपने देखा वहां से आना है, आगे नहीं जाना, नहीं तो आप गुम हो जाओगे। अभी यहाँ पे जरा 5-10 मिनट्स के लिए रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ने रुके ही नहीं है, लिटरली नहीं रुके, हम लोग सिर्फ चढ़ते जा रहे। तो आजा खत्म करते, फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन ही हो गया हमारे साथ यार। फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे एंड नाइट, व्हाटएवर वी से, बट मैं एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये साल खत्म होने के पहले वो देख रहे हो वापस आऊंगा और वो चढ़ेगा, इसका प्रॉमिस है मेरा नहीं है। ये करेगा भाई 100% भाई, अभी भी अपन कर सकते हैं, मैं बोलूं कर देते क्या रेस्ट करके, घर जाने में। अभी जो मैं और अरबाज इतना चढ़ के आए, इतना ट्रैक करके आए, अभी पूरा बॉडी थक गया है, सो फिलहाल हमने अपना बिस्तर लगा लिया है यहाँ पे, जैसा जैसा वो पॉन्चो है, जैकेट है, उसको लगा लिया है, और अभी एटलीस्ट 1 घंटे तक सोते हैं हम लोग। एंड अरबाज तो ये मिस कर रहा है, गुड मॉर्निंग, लिटरली अब गुड मॉर्निंग हो गया है, सुबह के बज रहे 8:25, अभी जस्ट सो करके उठे। हाँ अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था ये नींद, पूरा पीसफुल मदर नेचर के बीच में, सामने ये व्यू है हमारे, सारे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ पे भी पूरा ग्रीनरी। ये समिट अभी पेंडिंग है, वो अब नेक्स्ट टाइम होगा, अभी तो नहीं हो रहा है। अब थक गए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, यहाँ से नीचे उतरते हैं, कुछ खाने को मिलता है तो वो कुछ खाते हैं हम लोग, एंड देन स्ट्रेट टू होम डायरेक्टली। सो काफ़ी बढ़िया है, सो हमेशा जो भी आप आ रहे हो नेक्स्ट टाइम, तो ध्यान रखना कि स्ट्रेट आकर के आपको वो गोरखगढ़ फोर्ट का एंट्रेंस मिल जाता है, घूमने फिरने वाला नहीं है, आराम से आप सीधे सीधे आ सकते हो, काफ़ी ईजी है, 1-2 घंटे का ट्रेल है, 2 घंटे का हाइक है, आराम से आप आ सकते हो, आगे मत चले जाना, उन्हें तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, आगे जाने के बाद में वो पूरा घूमना पड़ेगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको ट्रैवल करने के लिए और आने के लिए। अब नीचे उतरते हैं, देखते कुछ खाने पीने के लिए क्या है। पवई से हम निकले थे, फ्यूल फिल किया था नियरली अराउंड 1100 समथिंग का, एंड उसके बाद से अभी तक कुछ ऐसा एक्सपेंस है नहीं हम लोगों का, कुछ रात में कुछ एक्सपेंस था ही नहीं, खाने पीने के लिए कुछ था ही नहीं। पार्टली आई गेस पर पर्सन 500 रुपीज़ में आ सकता है, क्योंकि जो हाइक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आराम से ऊपर आकर के चिल करिए एंड देन आराम से आप लोग वापस जा सकते हो। अभी फिलहाल पूरा हुलिया हो गया है, गड़बड़ थक गए, और एक और चीज, गंदा मत करना यहाँ पर, सब साफ रखना, तो और अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर। हो गया हो गया, अरे कोई तो जाओ।
को बुलाओ, अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ। फाइनली गाइस, मिशन अकम्प्लिश्ड, कंप्लीटेड। हम लोग ऊपर गए, हम लोग ने देखा अपने नजरों से, विटनेस किया चीजों को। हमने फोर्ट से चढ़ा, प्लेट्यू पे गए, बहुत सारे ऑफ ट्रेल एंड बहुत खराब खराब रास्ते थे, बहुत सारी सिचुएशंस थे कल भी अभी भी रात में भी, बट समहाउ समवेयर वी मैनेज टू डू इट। फाइनली वी मेड इट। अबे इतना एनर्जी मेरे अंदर नहीं साले, अभी आया क्योंकि अभी खाने का। अभी मेरे घुटनों के साथ ऐसा लग रहा किसी ने पियानो बजा दिया, टिंग टिंग फुल। ये फोर्ट है गाइस, तो ये ध्यान रखना कि ये वाले फोर्ट से आप लोग एंट्री करो। ये फोर्ट की एंट्री यहाँ पे है, यहाँ से आते ही यहाँ आपको मंदिर मिलेगा। मंदिर में नंदी जी मिलेंगे, टर्टल मिलेंगे एंड पूरा शिव जी का मंदिर है। आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना और ये वाला रास्ता है, यहाँ से आप लोगों को पूरा चढ़ना होगा। और कम से कम अभी कितना चढ़ना होगा वो मुझे भी आइडिया नहीं है, बहुत चढ़ना होगा इतना तो पता है। हाय हाय हाय, हालत झाली है ख़राब, मजे आता आता माला पाइजे सुनना। सो यार गाइस, फाइनली ये ट्रैक हो गया कंप्लीट एंड इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग, थ्रिल एंड फैंटास्टिक है। अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी, यहाँ से पहुँचते हैं हम लोग फटाफट खाने के लिए, कुछ पोहा मिसल पाव कुछ तो अभी मिल गया ना, मज़ा आ जाएगा यार सुबह सुबह। अभी कितना बज रहा है, 9:30 सुबह के। घर जा कर के सबसे पहला काम करना है ब्रश करके, नहा करके मस्त कम से कम 3-4 घंटे की नींद लेनी है, और 3-4 घंटे की नींद के बाद आप लोगों को ये वीडियो पहुँचेगा जो कि आप देख रहे हो अभी फिलहाल। सो हो गया कम्प्लीट। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान दो कि ये है गेट, यहाँ से आपको एंटर करना है, ये वाला है, ये वाले फोर्ट के गेट से आपको एंटर करना है, आगे नहीं जाना है। और यहाँ पे वो साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड के यहाँ से आपको अंदर आना है। हम लोगों ने आगे चले गए थे वहाँ एक आश्रम है, वहाँ से हमने गलत रूट लेकर के वो ऊपर वहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, मगर वो गलत पहुँचे थे। तो ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे पहुँचना है। फिलहाल अभी अपनी बाइक रेडी कर रहा है, अभी हालत फटी पड़ी है भाई, फटी पड़ी है, सच्ची बोल रहा हूँ, फटी पड़ी है।